नागपुर में आरएसएस के पूर्व प्रचार प्रमुख माधव गोविंद वैद्य का अंतिम संस्कार हुआ। वैद्य का 97 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया था। एमजी वैद्य ने दोपहर 3:35 पर नागपुर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। डॉक्टर वैद्य को आरएसएस के सबसे प्रखर वक्ता के रूप में याद किया जाएगा। वैद्य की अंतिम विदाई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, महानगर संघ चालक राजेश लोया, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद रहे। इससे पहले भागवत ने उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एमजी वैद्य ने संघ की विचारधारा को रखने का काम किया था। वे संघ के एनसाइक्लोपीडिया थे। संघ को उनकी कमी खलेगी। हमें लगता है कि हमने एक अभिभावक खो दिया। शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वैद्य के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। उनके पोते विष्णु वैद्य ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। हालांकि वे ठीक हो गए थे। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नागपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां आज दोपहर 3:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, नागपुर, महाराष्ट्र।